कोलारस से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने भरा नामांकन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है। इसके चलते शिवपुरी से कोलारस से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव को बनाया गया है। महेंद्र सिंह यादव का सूची में नाम आने के बाद महेंद्र सिंह यादव लगातार जनसंपर्क करने में जुट गए हैं और आज उन्होंने SDM कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते भाजपा के द्वारा टिकट देने पर जमकर तारीफ भी की। साथ ही जनता के आशीर्वाद से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने की बात कही। आपको बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा दल है उसने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। ये मुझे बड़ी गौरव की बात है। आज ही जीत तो मेरी इसी में हो गई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अच्छा, एक बात बताइए, आप प्रत्याशी बनी गए तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपेक्षा आपकी रहेंगी जनता से और आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो केवल जनता से यही कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी ने भी पहले जनता की सेवा की और मुझे भी कम समय 8-10 महीने का मिला था। मैं तो यही कहूँगा कि एक बार 5 साल का मौका जनता जनार्दन मुझे दे और मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता की 5 साल सेवा करना चाहता हूँ। जो कमी रह गई थी कम समय में, कम वोटों से जो हार हो गई थी, उसकी पूर्ति के लिए मैं जनता के दरवाजे पर उनके पैरों में मत्था टेकने जाऊंगा कि एक बार मौका दें और पूरी ईमानदारी और पूरी पार्टी की पूरी उसके साथ उसकी सेवा करने का मौका दें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। अन्य जाति के लोग और शीर्ष पदों पर नहीं बैठ पा रहे हैं, सिर्फ यादव ही बैठेंगे, राज्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे। अभी रघुवंशी विधायक था, पहले जैन विधायक था, उसके पहले खटीक जी विधायक थे। तो आप ये क्यों कह सकते हैं कि एक ही जाति का बन रहा है? नहीं, अभी वर्तमान की परिस्थिति, अरे अभी तो देखो ऐसा नहीं, आप ये चीज ये मत करिए कि जाति में बंटवारा करिए। आप ये कहिए व्यक्ति के अच्छे बुरे आचरणों के बारे में पूछिए। आप पूछिए मुझसे कि मैंने क्या भ्रष्टाचार किया, आपको पूछिए मुझसे कि मैंने किसके साथ गलत किया है, आप मुझसे पूछिए कि मैंने कभी सेवा में कोई कमी रखी हो। ये जाति के बंधन में मत बांधिए। जाति से अगर कुछ अच्छा होता तो फिर क्या है, फिर तो जाति से ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता। जाति कोई विषय नहीं है, विषय है सेवा का माध्यम। आपके मन में क्या विचार है, क्या आप सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं, तो आप किसी भी जाति के आइए, जनता की सेवा करिए, 5 साल मैदान में रहिए। मैं 5 चुनाव आ रहा, उसके बाद मैं 5 साल से एक दिन घर नहीं बैठा हूँ। सुबह से शाम तक मैं 9 बजे निकलता हूँ, रात को 9 बजे घर पहुँचता हूँ। चुनाव हारने के बाद में भी जितना मुझसे बन पड़ता है जनता की सेवा में लगाऊँ। धन्यवाद। चलिए, आपको पुनः बधाई। धन्यवाद।